सर्वांतर्यामी, सर्वव्यापक, सर्वहृदयस्थ, सर्वदेहस्थ, सर्वाधार, सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान, सर्वगुण संपन्न, मकराकृत कुंडल विभूषित, वंशी विभूषित, पीताम्बरधारी नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत को कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। परम दयालु वरसराज रसराज श्री वृंदावन वाके बिहारी लाल की विशेष अनुकंपा से, राधावल्लभ लाल के विशेषानुग्रह से और हमारे श्री सिद्ध नागेश्वर महादेव के कृपानुग्रह से आज हम सभी संबलहेड़ी ग्रामवासी सद्भागी बने हैं कि हमको भगवान की जो दिव्य दुर्लभ कथा है श्रीमद् भागवत वो हमको सुलभ हुई है और हमारे गांव के मध्य में आकर स्वयं भागवत बिहारी भगवान यहाँ पर विराजमान हुए हैं। लिखा है पद्म पुराण में, तेले यम वांगमयी मूर्ति ही प्रत्यक्षा वर्तते हरे है। ये जो आपके सामने सदग्रंथ रखा हुआ है, बोले ये क्या है? ये मात्र केवल एक पुराण तक सीमित नहीं है, ये केवल शास्त्र नहीं है या केवल ये पोथी नहीं है, अपितु पद्म पुराण कहता है तेने यम वांगमयी मूर्ति ही प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये साक्षात वृंदावन बांके बिहारी का शब्द विग्रह है, भगवान बांके बिहारी जी का ही स्वरूप है। क्योंकि आप जैसे जैसे कथा श्रवण करते रहेंगे तो उसमें वर्णन आता है कि जब भगवान श्री कृष्ण इस धरती को, इस धराधाम को जब छोड़कर जाने लगे तो भगवान का तो जो देह होता है, शरीर होता है, वो बड़ा दिव्य होता है। तो भगवान जिसे आप खेड़ा कहते हैं ना, पीपल का वृक्ष, इसलिए मैं आज जब खेड़ा में गया तो मैं कह भी रहा था कि बिना पीपल के खेड़ा कैसा, इसलिए वहां पर पीपल का पेड़, अश्वत्थ का पेड़ होना चाहिए। बिना पीपल के, अश्वत्थ के खेड़े की कल्पना नहीं की जा सकती। भगवान नारायण गीता में कहते हैं वृक्षाणाम अश्वत्थोहम, वृक्षों में जो पीपल है वो साक्षात नारायण अर्थात साक्षात मैं हूं। तो भगवान श्री कृष्ण भी जब इस धरती से जाने लगे तो उसी खेड़ा के नीचे बैठे भगवान और उन्होंने अपने देह को किया अंतर ध्यान। देह तो भगवान की अंतर ध्यान हो गई और अब भगवान के शरीर से एक दिव्य ज्योत निकली, दिव्य तेज प्रकट हुआ। सब सोचने लगे कि भगवान का दिव्य तेज कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा? तो पद्म पुराण कहता है कहाँ गया वो तेज, स्वकीयं यद् भवेत् तेजः तच्च भागवते दधात्। स्वकीयं यद् भवेत् तेजः, जो भगवान के शरीर से दिव्य तेज निकला वो कहाँ गया? बोले वो स्वकीयम यद भवे तेजस तच्च भागवते दधात, वो भागवत के ही अंदर प्रविष्ट हो गया। इसलिए भागवत केवल पोथी नहीं है, प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, ये तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। और ये अपने मर्जी से आते हैं। आप अन्य हो सकता है आप अपना मकान अपनी मर्जी से बना लो, हो सकता है कि आप अपनी मर्जी से कोई अन्य काम कर लो, उसमें आपकी प्लानिंग चल सकती है, लेकिन भगवत कार्य प्लानिंग तो करनी ही पड़ती है, लेकिन जब तक भगवान की इच्छा ना हो तब तक ये प्लानिंग सक्सेस नहीं होती। अन्यथा यहाँ पर कथा मुझे याद है, मेरी 2008 में कथा हुई थी, उस समय मेरी चौथी या पांचवी भागवत थी और आज भागवत करते करते अभी 100 भागवत अभी हमने पूरी की है, 101वीं भागवत है। अब 100 भागवत करने में कितना समय लग जाता है, तो आज लगभग 14 साल हो गए, 13-14 साल। तो इस 13-14 साल में इतने सारे शिष्य परिकर होने के बाद भी, चाहने के बाद भी 14 साल लग गए पुनः आने में कथा के लिए।
तो इससे क्या सिद्ध होता है, सत्संग बड़ा दुर्लभ होता है। एक सत्संग को पुनः प्राप्त करने में 14 साल लग गए, और इस 14 साल में कितने तो ऊपर जा लिए, और हो सकता है कि थोड़ी सी संख्या कम भी होती, वो संख्या कोरोना ने बढ़ा दी। सोने जाना था तो 400 चले गए। तो कितना कुछ बदल जाता है 14 साल में, लेकिन सत्संग प्राप्त नहीं हुआ। तो आज भगवत कृपा से, हाँ बिना चाहे तो नहीं होता, संकल्प तो करना ही पड़ता है, लेकिन जब आपके अच्छे संकल्प के साथ जब मेरे बांके बिहारी जी की कृपा दोनों जुड़ जाती है ना, तब जाकर कोई ऐसा स्वरूप देखने को गांव के बीच में मिलता है। हाँ माध्यम तो कोई बनता ही है। अब गंगा जी ने तो धरती पे आना ही था, क्योंकि भगवान ने सोच लिया था, लेकिन माध्यम तो चाहिए। तो फिर माध्यम क्या बनी कि कपिल मुनि के शाप से वो सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए, अपराध कर दिया था, तो उनको लाने के लिए उनके जो वंशज हैं उन्होंने गंगा जी को लाने के लिए तपस्या करी। अंशुमान ने तपस्या करी, फिर दिलीप ने तपस्या करी, और फिर उनके पुत्र भगीरथ जी ने तपस्या करी, और तब जाकर फिर भगीरथ जी के तप के प्रभाव से गंगा जी इस धरती पे आई। तो गंगा जी को लाने के लिए निमित्त कौन बना, बोलो? भगीरथ जी महाराज बने। तो गंगा को लाने के लिए कोई निमित्त तो चाहिए, तो वो भी गंगा है, उस गंगा को भगीरथ जी लाए, और अब ये जो गंगा है अब इसको भी लाने के लिए कोई निमित्त तो चाहिए था। भले ही आप जैसे ठाकुर जी ने गोवर्धन उठाया तो फिर सभी गाल वालों ने क्या कहा, अरे कन्हैया तू चिंता ना करे, हमने अपनी लाठी लगा दी, हमने अपनी छतरी लगा दी, तेरी उंगली पे कछु वजन ना आएगो, तू चिंता मत कर। अब भले ही अब उनकी लाठी पे थोड़े ही गोवर्धन टिको है, उनके छतरी पे थोड़े ही गोवर्धन टिको है, लेकिन भगवान ने सबको श्रेय दिया कि हाँ भैया तुमने भी गोवर्धन उठायो है। तो वैसे ही ये भागवत जैसो इतो बड़ो पहाड़ जो है ये गोवर्धन है, तो इसमें भले ही आप सबकी लाठियां लगी हैं, आप सबकी छतरी लगी है, इस 7 दिन तो इस ये भी 7 दिन तक भगवान ने गोवर्धन 7 दिन तक उठाया, तो इस भागवत रूपी गोवर्धन को भी 7 दिन आप लोगों ने ही उठाना है। श्रेय सबको जाता है, लेकिन फिर भी गंगा जी को लाने के लिए कोई भगीरथ तो चाहिए। तो इस कथा के भगीरथ हमारे संजीव जी बैठे हैं पीछे, ये कई चक्कर मारते हैं एक साल में हमारे यहाँ, और यहाँ पर तो बहुत सारे शिष्य परिकर हैं, लेकिन किसी को चिंता नहीं, बस एक बार गुरु बना दिया। लेकिन संजीव जी हर 3 महीने में जब तक चाय पी के ना आ जाए गुरु जी, क्या उनको बेचैनी सी होती है, तो हर 3 महीने में आ जाते हैं। तो बड़े साल से कह रहे थे कि गुरु जी एक होनी चाहिए होनी चाहिए, तो अब हमारा भी कुछ समय का अभाव, कुछ थोड़ा सा इतना बड़ा आयोजन है, सब कुछ देखना होता है, धनात् धर्मम ततः सुखम, भाई धर्म करने के लिए भी धन तो चाहिए, धनात् धर्मम, धन से धर्म होता है और फिर धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। तो फिर इस बार संजीव जी ने कहा, नहीं हमारे जो भी आपके शिष्य परिकर हैं उन्होंने आश्वासन दिया है कि उन आयोजन में हम आपका साथ देंगे, और तब हमारे संजीव जी आगे आगे भगीरथ जी की तरह चले और बांके बिहारी की कृपा साथ में जुड़ी और आप सबका भाव साथ में जुड़ा, और देखो कैसे ये भागवत भागीरथी, ये भागवत रूपी गंगा भी 14 साल के बाद संबलहेड़ी में इसका स्रोत फूटने लगा। क्या फूटने लगा? स्रोत। सच मानिए ये सत्संग का स्रोत बड़ा दुर्लभ होता है। जैसे नदियों के किनारे पहले देखा होगा आपने स्रोत फूटते थे ना, उसको उग्गल भी कहते हैं, आप लोगों के में भी उग्गल कहते हैं, तो पानी सा फूटता है जगह जगह, बड़ा मीठा पानी होता है। तो बस ऐसा ही स्रोत जो ये फूटा है संबलहेड़ी के बीच में, ये आप सबके भाव का ही नतीजा है, क्योंकि जब भाव पुष्ट होता है तभी जल प्रकट होता है, भाव से ही जल प्रकट होता है। जब व्यक्ति देखो नहीं, देखा नहीं आपने कि जब आप भावना में बहुत बहते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं, तो आंखों से भी अश्रु प्रवाहित होता है, आपका वो भाव आंखों में खुशी के आंसू जिसे कहते हैं, तो वो जो भाव है जल के रूप में आंखों से निकलने लगता है। जब भगवान शंकर आनंद की अनुभूति करते हैं तो उनके मस्तिष्क से भी गंगा जी की धार निकल पड़ती है। तो कहने का तात्पर्य, भाव में वो सामर्थ्य है जो पत्थर में भगवान को प्रकट कर दे। भावे ही विद्यते देवः,
तो भाव ही वो है जो पत्थर में भगवान प्रकट कर देता है, और भाव ही वो है जो सत्संग जैसे स्रोत का निर्माण कर देता है। और उसके बाद भी अगर आपने इस जल में, इस जल का पानी नहीं पिया, इस सत्संग रूपी गंगा में 7 दिन तक अवगाहन नहीं किया, स्नान नहीं किया, आज चले जाएंगे, कल चले जाएंगे, आज ये काम है, वो कल वो काम है, तो बुरा मत मानियो भैया। शास्त्र में जो लिखा है वो बता रहा हूँ। शास्त्र कहता है स आत्महा, अर्थात उसने तो मानो जीते जी अपनी हत्या कर ली। इसको आत्महत्या कहते हैं ना। आत्महत्या केवल शरीर की हत्या करना ही नहीं होता, आत्महत्या इसको भी आत्महत्या कहते हैं कि सामने सत्संग बह रहा है, घर में आवाज जा रही है, पता है कितना सुंदर भाग बिहारी जी चलकर आए हैं, नारायण ने कृपा करी है हम पर, हमको ये 7 दिन हमारे 70 दिन 70 साल संवारने के लिए ठाकुर जी ने दिए हैं, उसके बाद भी अगर सत्संग में ना आओ तो शास्त्र कहता है स आत्महा, अरे इसने तो अपनी आत्महत्या कर ली। चित्तम विधाय शुक शास्त्र कथा न पीता, बोले जिसने अपने जीवन में भागवत की कथा पूरी श्रवण नहीं की, बुरा मत मानना, पद्म पुराण में लिखा है कि येन शठेन किंचित चित्तम विधाय शुक शास्त्र कथा न पीता। 50-50, 60-60, 70-70 साल का जीवन हो गया है, जवानी बुढ़ापे की ओर दौड़ रही है, बुढ़ापा मौत की ओर दौड़ रहा है, फिर भी आज तक भागवत की कथा जिसने पूरी श्रवण नहीं की, बोले उसने, उसका जन्म तो सिर्फ अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए हुआ है, पैदा होते हुए जो माँ को दर्द होता है ना, बोले उसका जन्म तो सिर्फ माँ को उस दर्द को पहुंचाने के लिए हुआ है, और कोई उसका जीवन का प्रयोजन नहीं है। इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य बस यही है माताओं कि ये जो अवसर मिला है इसको चूकना मत, आज चले जाएंगे कल चले जाएंगे नहीं, आप साक्षात इसके साक्षी बनिए। परीक्षित साक्षी यत, आजकल जो कि आजकल तो घर में बैठे बैठे भी सारी सुख सुविधाएं हैं हमको, YouTube में भी हर कोई अपना भागवत कथा आदि देख लेता है, देखते हैं ना, YouTube में भी भागवत आदि हम देखते हैं, लेकिन फिर भी आपको यहाँ आना अनिवार्य क्यों है? क्योंकि आप जैसे कि टीवी में गंगा जी तो देख सकते हैं कि वाह देखो क्या बढ़िया गंगा बह रही है, फोन में भी देख सकते हैं, लेकिन क्या उस गंगा को आप छू सकते हैं? फोन में गंगा बह रही है, छू सकते हैं? नहीं छू सकते। फोन में अगर आपको थोड़ा सा छींटे मारने हैं तो फोन में हाथ डाल के गंगा जी के जल के छींटे मार सकते हैं? नहीं मार सकते। तो ये सुविधाएं तो उनके लिए है जो दूर है, जो वास्तव में नहीं आ सकते, लेकिन यदि आपके बगल में गंगा बह रही हो तो आप आइए, कानों से ये शब्द प्रवाह जब अंदर जाएगा तो ये आपके अंदर तक जीवन को सार्थक करेगा, कृतार्थ करेगा। तो इसलिए जैसे गंगा जी का स्पर्श करना है तो गंगा जी के घाट पर जाना पड़ेगा, वैसे ही भागवत रूपी गंगा का अगर आनंद लेना है तो इस भागवत पांडाल अर्थात इस घाट में भी आपको आना पड़ेगा। दो बात, और एक बात और बताऊं, हो सकता है कि हमने तो पूरे गांव में आवाज जाए इसलिए होरन के माध्यम से सारी व्यवस्था की हुई है, गांव में आवाज जा रही है, कई लोग ऐसे भी निकल के आते हैं 7वें दिन, राम राम जी, हमने भी कहा राम राम, अच्छा ताऊ कथा में आए थे? नहीं, मैं तो छतरी पे से सुन रहा था, खटिया पे पड़ा पड़ा, होरन की आवाज आ रही थी बहुत साफ, अब घर की भी तो चौकीदारी करनी थी। तो ये भी एक श्रोता के लक्षण नहीं है, क्योंकि कभी भी हमारे गांव में जब खुद बिहारी जी प्रकट हुए हैं तो उनके पास जाकर कथा में ना बैठना, ये तो एक तो कथा का अपमान है। क्या है? एक तो कथा का अपमान है, दूसरा खटिया में पड़ा पड़ा सुन रहा था मैं। भाई हर चीज को सुनने की एक विधि होती है, दवाई तो एक तरफ खाई आपने, बुखार उतर नहीं रहा है, 4 दिन जाके डॉक्टर पे गुस्सा आया, अरे कैसी दवाई दी, बुखार उतरा नहीं, चार दिन हो गए। तब डॉक्टर ने कहा दवाई तो ली थी ना, तीनों टाइम ली थी, बोले परहेज किया था, ये मत खाना ना, वो तो नहीं किया था, दही भी खा रहा था मैं तो, मट्ठा भी पी रहा था,
तो एक तरफ तो बुखार की दवाई खा रहा है, दूसरी तरफ दही भी खा रहा है, मट्ठा भी खा रहा है, तो दवाई लगेगी। तो ऐसे ही ये भागवत क्या है? भवौषधि है, ये भी एक औषधि है। इसको सुनने से कल्याण होता है, बिल्कुल निश्चित बात है, लेकिन इसके भी तो कुछ नियम है, कैसे सुनना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो खटिया में पड़ा पड़ा सुनना, ये तो अनादर है। हाँ, जो अस्वस्थ हो, बिल्कुल असक्षम हो, उसकी बात अलग है। तो घर में बैठा बैठे सुनना भी अपराध है। दूसरी बात, कई लोग ऐसे भी सातवें दिन निकल के आते हैं कि हमने तो पूरी कथा सुनी, नीचे तो ढंग से आवाज नहीं आती थी, लेकिन हॉर्न की आवाज छत पे बढ़िया आती थी, छत पे बैठ के सुनते थे। तो व्यास आसन से ऊंचे आसन पर बैठकर कथा सुनना भी अपराध है। वक्ता के आसन से ऊपर बैठकर भी, तो छत क्या हो गई? ऊपर हो गई ना। ये कितना है? 5 फीट है। छत कितनी हो गई? 10 फीट की तो होगी। प्रमाण बताता हूं, जब महाभारत का युद्ध हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या सुनाई? बोलो, गीता सुनाई। तो गीता के दूसरे अध्याय में अर्जुन ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान को कहा, प्रभु शिष्यस्तेहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, अहम ते शिष्यः, मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, तो आपने मुझे ज्ञान दिया है, इसलिए आप हमारे मित्र ही नहीं हैं, हे केशव शिष्यस्तेहम, आप हमारे गुरु भी हैं, क्योंकि आपने ज्ञान दिया, मैं आपका चेला हो गया, मैंने आपसे नामदान ले लिया, दीक्षा ले ली। और जैसे ही अर्जुन ने कहा मैं आपका शिष्य हूँ, तब तक हनुमान जी भी आ गए, हे कृष्ण मैं भी तुम्हारा शिष्य हूँ। हनुमान जी को प्रभु ने कहा, द्वारिकाधीश ने, तुम मेरे शिष्य कब हुए? तो बोले, जैसे अर्जुन को आपने ज्ञान दिया, अर्जुन ने आपका ज्ञान सुना, तो ये आपका चेला बन गया, तो मैंने भी तो आपका ये 18 दिन तक गीता का ज्ञान सुना, इसलिए मैं भी चेला हो गया। तो कन्हैया ने कहा कि तुमने कहाँ से सुना, तुम तो मुझे कहीं दिख नहीं रहे थे हनुमान जी। तब हनुमान जी ने क्या कहा, अर्जुन का जो रथ है, अर्जुन के रथ में जो झंडा है ना, उस झंडे में कौन बने हैं? हनुमान जी बने। तो हनुमान जी कहते हैं, झंडे पे बैठ के मैंने सारी तुम्हारी गीता सुनी। तब भगवान श्री कृष्ण ने, मर्यादा बनी रहे इसलिए, जो साक्षात शंकर ही हनुमान जी हैं, उन हनुमान जी को भी क्या कहा कि तुमने वक्ता से, व्यास से ऊंचे बैठकर कथा सुनी है, गीता सुनी है, इसलिए तुमको कोढ़ हो जाएगा। तो हनुमान जी के पूरे शरीर में क्या हो गया था? बोलो, कोढ़ हो गया था, क्योंकि वक्ता से ऊंचे आसन पर बैठकर सुना। तब फिर हनुमान जी ने कहा कि क्या अपराध, इस अपराध के लिए मुझे क्या प्रायश्चित करना है, जिससे कि मैं इस अपराध से निवृत्त हो जाऊं। तब भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, बोले, गीता पर तुम महाभाष्य लिखो। महाभाष्य का अर्थ होता है गीता पे तुम अपनी बुद्धि के अनुसार एक विवेचन उसका करो, विस्तृत व्याख्या करो, इससे तुम्हारा कोढ़ ठीक हो जाएगा। तब हनुमान जी ने गीता के ऊपर महाभाष्य लिखा, उसके ऊपर बड़ी व्याख्या करी, तब जाकर हनुमान जी के शरीर का कोढ़ शांत हुआ। तो ये तो भगवान की एक लीला है हमको ज्ञान देने के लिए, नहीं तो हनुमान जी में कम सामर्थ्य थोड़ा ही है। लेकिन हम सबको, समाज को एक संदेश देने के लिए, कि जब हम किसी चीज का, औषधि का जब पान करते हैं, तो उसके क्या विधि निषेध हैं, इसका भी पालन नहीं होगा तो फिर फल नहीं प्राप्त होगा। इसलिए कथा आपको फल देगी, ये निश्चित है, फलम प्राप्नोत्य संशयम, इसमें किंचित भी संशय नहीं होना चाहिए। लेकिन बस ये है, अगर भागवत का पूरा फल चाहते हो तो भागवत पहले दिन से लेकर पूर्णाहुति का गोला तब तक ना पड़ जाए, एक तो छूटना नहीं चाहिए, और भागवत के जो कुछ विधि निषेध बताए गए हैं उसका पालन करना चाहिए। तो बस फिर तो कहना ही क्या, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, बस उससे जो मांगता है वही फल उसको प्राप्त हो जाता है। बोलो, भागवत बिहारी भगवान की जय। तो मैं यही निवेदन कर रहा था कि आप सबको ये सौभाग्य भागवत श्रवण का प्राप्त हुआ, सुंदर व्यासपीठ
और व्यासपीठ के पार्षद स्वरूप भगवत चरणारविंद भ्रमर ब्राह्मण वृंद आचार्य वृंद संगीतकार भाई और समुपस्थित विराजमान भक्तिमती शक्तिमती माताएं बहनें उन सबके हृदय में विराजमान अपने श्याम सुंदर को प्रणाम करते हुए आइए हम भागवत का महात्म्य श्रवण करते हैं। क्या श्रवण करते हैं बोलो? महात्म्य। महात्म्य का अर्थ क्या होता है? शॉर्ट आप लोगों के पास महात्म कहते हैं ना, महात्म क्या कहते हैं? हाँ, तो संस्कृत का शब्द क्या है? महात्म्य। क्या है? तो महात्म्य का अर्थ होता है महिमा। क्या होता है? महिमा। तो जब हम कोई भी ग्रंथ श्रवण करते हैं तो सबसे पहले उसका महात्म श्रवण करते हैं। तो किसी ने कहा कि अरे सीधा कथा ही सुना दो ना, महात्म क्यों सुनना? तो भैया बिना महात्म के कथा सुनने में आनंद नहीं आता, क्योंकि सबसे पहले जिस कथा के लिए हम अपने काम धंधे छोड़ेंगे, तीन तीन चार चार घंटा बैठेंगे, पहले उसकी महिमा तो पता चले, उसकी महिमा क्या है। जैसे कि हम दुकान में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो एक क्रीम रखी है 100 ml की, 100 ml की क्रीम एक कितने की है? 70 रुपए की है। और दूसरी अलग ब्रांड की जो क्रीम है वो 700 रुपए की है। दोनों 100 ml, लेकिन एक 70 रुपए की है और एक 700 रुपए की। तो आपने 700 रुपए की उठाई, मैंने कहा अरे वही उतनी ही क्रीम, उतने ही वजन की क्रीम जब 70 में मिल रही थी तो तुमने 700 की क्यों उठाई? तो आप क्या कहेंगे? भाई हमने ऐसे ही थोड़े ही उठा ली 700 की, पहले हमने इसकी क्वालिटी देखी। केवल क्रीम की ही बात नहीं, कुछ भी आप प्रोडक्ट लेते हैं मार्केट में तो उठा के देखते हैं, चेक करते हैं इसमें क्या क्वालिटी है, क्या गुणवत्ता है। अगर आपको उसकी क्वालिटी समझ आ गई तो फिर पैसे ज़्यादा भी लग रहे होंगे तो आप सोचोगे नहीं भैया इसमें तो अच्छी चीज़ें पड़ी है, हमारी स्किन में किसी भी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, इसमें नेचुरल चीज़ पड़ी है, इसमें केमिकल नहीं पड़ा है। तो जब आपका विश्वास हो जाएगा कि इसकी तो बड़ी महिमा है, इसमें तो बड़ी क्वालिटी है, तो फिर आप 70 वाली नहीं, आप 700 वाली भी ले लोगे। 10 गुना पैसा ज़्यादा खर्च क्यों किया आपने? क्योंकि आपको उसकी महिमा समझ आ गई। तो बस वैसे ही किसी भी ग्रंथ को जब माताओं हम श्रवण करते हैं तो उसकी महिमा सुनने से हमारा उसके प्रति झुकाव बढ़ता है, हमारा उसके प्रति श्रद्धा बढ़ती है। श्रद्धा बढ़ेगी तो समर्पण बढ़ेगा, और समर्पण बढ़ेगा तो फिर आप अपने काम धंधों को छोड़कर, आपके दिमाग में बात बैठ जाएगी कि भैया काम धंधे तो कभी समाप्त होने वाले नहीं, इतनी दुर्लभ कथा मेरे बांके बिहारी की कृपा से हमें प्राप्त हुई है, ये काम धंधे कभी समाप्त नहीं होंगे। इसलिए 7 दिन के बाद जैसे भी हम कर लेंगे, लेकिन 7 दिन तक हम कथा नहीं छोड़ेंगे। फिर आप कथा की ओर दौड़ोगे, काम की ओर नहीं दौड़ोगे। तो ये कब होगा? जब आपको भागवत की महिमा समझ आ जाएगी कि भागवत की महिमा कई गुना अधिक है हमारे काम धंधों से। जो काम धंधों में उलझा है और भागवत छोड़ दी, तो इसका क्या अर्थ निकल रहा है? इसका अर्थ ये निकल रहा है कि अपने घर के काम को वो भागवत से ज्यादा महिमा मानता है अपने घर के कामों की। लेकिन अगर काम धंधे छोड़कर भागवत में आओगे तो इसका मतलब आप भागवत की महिमा को घर के काम धंधों से अधिक मानते हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे। तो इसलिए सबसे पहले भागवत की महिमा सुननी चाहिए। भागवत की महिमा कौन सुनाएगा? भागवत की महिमा भागवत में नहीं है। किसी ने पूछा भागवत में क्यों नहीं है भागवत की महिमा? बोले जो बड़े लोग होते हैं, श्रेष्ठ लोग होते हैं, वो अपनी बढ़ाई खुद नहीं करते, स्वयं नहीं करते। महिमा मतलब बढ़ाई, प्रशंसा। कहा ना कि बड़ा बढ़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, और हीरा कबहू ना कहे मैं हूं बड़ा अनमोल। हीरे को अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करनी पड़ती कि मैं बड़ा मूल्यवान हूं,